कल हमने पढ़ा था मृत जीवी किसे कहते हैं, मृत जीवी की परिभाषा जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैव पदार्थों से पोषक तत्व कल हमने पढ़ा था कीट पक्षी। कीट पक्षी पादप किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि पादप जो होता है उसके पत्ती जो होता है वो किसमें रूपांतरित होता है, घड़े के अंदर रूपांतरित हो जाता है, और उसके जो पत्ती का आगे वाला भाग होता है वो ढक्कन से आवृत हो जाता है। कहने का मतलब है ढक्कन नुमा संरचना धारण कर लेता है, और कोई भी अगर जीव जंतु या कीड़े मकोड़े उड़कर अगर उस पादप के ऊपर बैठता है तो उस पादप की जो पत्ती होती है वो किसमें रूपांतरित हो जाती है, घड़े के अंदर रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार की जो, और ये जो होता है एक पत्ती का जो एक हिस्सा होता है वो किसमें बदल जाता है, रोम नुमा संरचना में बदल जाता है। इस प्रकार की रोम नुमा संरचना होती है, ठीक है। और पत्ती का जो आगे वाला भाग होता है वो उसका ढक्कन का निर्माण कर लेता है। जैसे कि इस पे आके बैठा और ये जो होता है ये ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद जब उसको रास्ता नहीं मिलता तो वो इधर नहीं जा पाता है, और उसके बाद वो जो पीठ होते हुए इधर से होते हुए क्या होता है, इस रोम नुमा संरचना में क्या हो जाता है, फंस जाता है, और फंस जाता है, और पादप इसको क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, कीट पक्षी पादप कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मृत जीवी किसे कहते हैं, मृत जीवी की पादप किसे कहते हैं, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैव पदार्थों, जैव पदार्थों का मतलब होता है कोई भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को पोषक तत्व, उन पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। समझ में आया, जिसमें किसी जीव मृत या विघटित जैव पदार्थ, यानी कोई भी जैसे रोटी हो गई, सब्जी हो गया, या फल सब्जियां जितने भी प्रकार की खाद्य सामग्री होते हैं वो जो सड़ जाती है, गल जाती है, उसके बाद जो होते हैं ये पादप से प्राप्त करते हैं पोषण। आई बात समझ में, इसमें क्या होता है कि जो विघटित, विघटित का मतलब होता है टूटना, विघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। इसमें किसी जीव की मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषण, यानी जो भी जीव जंतु होते हैं चाहे वो पादप हो या कोई ना खाद्य सामग्री हो, उनसे पोषक तत्व क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। मृत जीवी नाम से ही पता चलता है वो मतलब सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मृत जीवी पादप कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपन है ना बारिश के टाइम पे अगर रोटी, अगर है ना रोटी को अपन 2 या 3 दिन के लिए रख देते हैं तो धीरे 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 उसमें क्या होते हैं, कीड़े या कीट मकोड़े या सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब इसके लिए मैं एक अच्छा सा उदाहरण बताती हूँ। ये जो होता है, उदाहरण कवक, उदाहरण क्या हो गया कवक। ये जो होता है बारिश के टाइम पे देखा होगा कि ना सड़ी गली वस्तु के ऊपर एक छतरंग नुमा संरचना हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं, विज्ञान की भाषा में उसको क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। और ये व्हाइट कलर का कवक जो होता है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं पाई जाती, ये भी क्या होता है, पादप ही होता है, ये भी किसके अंदर आता है, पादप के अंदर आता है, लेकिन ये कौन से पादप होते हैं, सूक्ष्म जीवी पादप। कवक जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है।
मृतजीवी का उदाहरण क्या है? कवक। कवक जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। मैंने बताया था ना कि जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। लेकिन कवक जो होता है ये भी क्या होता है, पादप होता है। और ये पादप किस प्रकार का होता है, सूक्ष्मजीवी पादप होता है। और कवक जो होता है उसमें क्लोरोफिल की नहीं मात्रा नहीं पाई जाती है। जब अगर क्लोरोफिल की वजह से कौन सा रंग प्रदान करते पेड़ पौधे, हरा रंग। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति की वजह से होता है, क्लोरोफिल। अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये कैसा होगा, श्वेत सफेद कलर का पाया जाएगा। कवक इसका अच्छा सा उदाहरण है। अब अपन करते हैं, एक उदाहरण बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक क्रियाविधि बताती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ब्रेड लेंगे, ठीक है। उस ब्रेड को अपन घीली करके 3 या 4 दिन के लिए अपन रख देते हैं। 3-4 दिन के लिए रख देते हैं तो धीरे 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 उसमें एक रोम, जैसे ये ब्रेड, ठीक है। इस ब्रेड को पानी से गीला किया, पानी से गीला करने के लिए इसको कितने दिन के लिए रख दिया, 3 से 4 दिन के लिए रख दिया, ठीक है। 3 से 4 दिन के लिए रख दिया। और उसके बाद धीरे 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 इसमें सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। उन सूक्ष्म जीवों की वजह से इनमें क्या हो जाता है, कवक लग जाते हैं। क्या हो जाता है, एक धागेनुमा संरचना होती है, रुई के समान जो होते हैं तंतु, रुई के समान तंतु नरजन आने लग जाते हैं थोड़े दिन बाद। अभी रोटी अगर टिफिन में 5 या 6 दिन तक पड़ी रह जाती है तो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाती है, फफूंद आ जाती है। क्या हो जाती है, फफूंद आ जाती है। उसी को क्या कहते हैं, कवक या फंजाई कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कवक या फंजाई। इसमें छोटे छोटे से काले रंग के या धागेनुमा, रुई के समान धागेनुमा जो संरचना होती है वो क्या कहलाते हैं, कवक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कवक कहलाते हैं। और ये कवक ये सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं, धीरे धीरे ये जो होते हैं, ये जो कवक इसके ऊपर लग जाते हैं। ये कवक इसके ऊपर लग जाने के बाद क्या होता है, ये उस पदार्थ को क्या करते हैं, विलेय के रूप में निर्माण कर देते हैं। उसको क्या होता है, विलेय में बदल देते हैं। और पेड़ पौधे जब इनका अवशोषण करते हैं तो किस रूप में करते हैं, विलेय के रूप में। विलेय का मतलब अपना बुलना। उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उनका क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव। देखो सभी जगह क्या होते हैं, हमारे आस पास बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं। जैसे दही के अंदर बैक्टीरिया होता है, कवक होता है, सॉरी बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। जैसे दही के अंदर भी अगर दही को अपन माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे जीव जंतु दिखाई देते हैं। वो जीव जंतु जो होते हैं या सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, जबकि हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। उसी प्रकार ये कवक इसके ऊपर लग जाते हैं। और ना जैसे ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर लग गया तो धीरे धीरे रुई के समान धागेनुमा संरचना हो जाती है और ना काले काले धब्बे बन जाते हैं, जिसको ये जो होते हैं, ये इसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं धीरे धीरे। ये क्या होते हैं, ये सारे जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये उत्पन्न हो जाते हैं और इस पदार्थ को विलेय के रूप में बदल देते हैं। विलेय के रूप में बदलने के बाद पेड़ पौधे जब ना मृत जीव, पेड़ पौधे जो होते हैं जो मृत जीवी को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब ये वस्तु क्या हो गई, सड़ गई, नष्ट हो गई। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव लग गए, ये बिल्कुल क्या हो गई, नष्ट हो गई, खराब हो गई। और अगर इसको अपन ने बाहर फेंक दिया तो जो बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जो इन पदार्थों का अवशोषण जो करते हैं, अवशोषण का मतलब होता है शरीर के अंदर धारण करना। अवशोषण का मतलब क्या होता है, अवशोषण का मतलब सिंपल से बताती हूँ। अगर कहीं पे पानी गिर गया, ठीक है, अपन क्या करते हैं, उस पर पोचा डाल देते हैं। पोचा डालने के बाद क्या होता है, वो सारा जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है, आ जाता है। उसको क्या बोलते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो मृत जीवी के रूप में, विलय के रूप में प्राप्त करते हैं और भोजन का अवशोषण करते हैं और पोषण तत्वों को प्राप्त करते हैं। आई बात समझ में, एक बार फिर से मैं ना, मृत जीवी किससे कहते हैं, जिसमें जीव का मतलब कोई भी जीव जंतु, जिसमें जीव किसी मृत का मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है। विघटन का अर्थ क्या होता है, विघटन का अर्थ होता है टूटना। विघटन का अर्थ क्या होता है, टूटना। जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से, विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थ कोई भी होते हो सकते हैं, खाने पीने की चीजें, खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं हमारे घरों में काम आने वाले, जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषक कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, कवक। कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। लेकिन इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है तो ये कैसे, इस प्रकार के जो पादप होंगे वो कैसे होंगे, सफेद, है ना, कैसे होंगे, सफेद।
और ये जो होता है वो क्या होता है, पादप होता है, लेकिन कौन से पादप होते हैं, सूक्ष्म जीवी पादप होते हैं। आया यहां तक समझ में? अब ये जो कवक होते हैं, ये जो कवक होते हैं ये कहां कहां पर उपस्थित होते हैं, अचार के अंदर। आपने देखो अगर अपने घरों में सभी के क्या होते हैं, अचार डालते हैं, ठीक है, अचार बनाते हैं, अचार के ऊपर जो परत होती है वो किसकी होती है, तेल की परत। तेल के अंदर डुबो के क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जीव जंतु या कवक नहीं लग जाए। आपने देखा होगा अगर अचार के अंदर तेल नहीं होता है ना, ऑयल अगर नहीं होता है तो उसमें क्या हो जाती है, व्हाइट कलर की फफूंद आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कवक या फंजाई भी कहते हैं, कवक या फंजाई भी कहते हैं। अचार के अंदर पाई जाती है, चमड़े के ऊपर भी पाई जाती है, कपड़े को भी, अगर कपड़े को चमड़े को अगर कुछ दिनों के लिए बारिश के मौसम में अगर पड़ा रहने देंगे तो धीरे 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 उसपे क्या हो जाएगी, जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, उसी प्रकार से इन वस्तुओं पे क्या लग जाती है, कवक लग जाती है। ये इसके उदाहरण है। और इनका जो असर होता है सबसे ज्यादा कौन सी ऋतु में देखा जाता है, इनका जो असर होता है सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु के अंदर इनकी वृद्धि होती है, वर्षा ऋतु के अंदर इनकी क्या होती है, वृद्धि होती है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करते हैं। जैसे मैंने कवक के बारे में कल भी बताया था, सॉरी शैवाल के बारे में कल बताया था, काई जो होती है तालाब के अंदर उनकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार से इनके भी वृद्धि हो जाती है। अब देखो कवक जो होते हैं जैसे अचार में लग गया, चमड़े के ऊपर लग गया, कपड़े के ऊपर लग गया, वर्षा ऋतु के अंदर इनकी सबसे ज्यादा क्या होती है, वृद्धि होती है। कुछ समय पश्चात तो ऐसे होते हैं कि ये नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के बाद इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और ये जो होते हैं ये हमारे लिए लाभदायक नहीं होते, और धीरे धीरे ये जो होते हैं सभी इनको क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, और ये उपयोग में लेने लायक नहीं होते। और सामान्य ये जो कवक होते हैं, सामान्य रूप से ये जो कवक होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं, वायुमंडल में छोटे छोटे कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। सामान्य रूप में ये जो कवक होते हैं जैसे हवा चलती है तो एक स्थान से, हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। इसी माध्यम से क्या होता है कि धीरे 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 इनके जीवों की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, एक से दो, दो से, जैसे आगे वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी अमीबा होता है, अमीबा का निर्माण कैसा होता है, अमीबा जो होता है सूक्ष्म जीव होता है, उसी प्रकार से ये कवक जो होते हैं इनके जो बीजाणु होते हैं वो वायुमंडल में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में उपस्थित होने के बाद जब ये किसी जैव पदार्थ का मतलब होता है खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके ऊपर उत्पन्न हो जाते हैं, या उसकी नमी वाले स्थान या उष्ण वाले स्थान पर अगर रख दिए जाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। उसके बाद है सहजीवी, ये पादपों में पोषण की विधियां पढ़ रहे हैं। पादपों में पोषण की विधियां अपन ने कौन कौन सी पढ़ी, सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी अपने, स्वयंपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, स्वयंपोषी। विषमपोषी किसे कहते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी जीव जंतु या पेड़ पौधे से प्राप्त वस्तुओं से प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था परजीवी के बारे में पढ़ा था। परजीवी का मतलब होता है जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य वस्तु पर निर्भर करते हैं उसको क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था कीट पक्षी होते हैं जो कीटों को क्या करते हैं, भक्षण करके कीटों को क्या होते हैं, ग्रहण भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद मृत जीवी नाम से पता चल रहा है कि ये मृत गली सड़ी गली जो वस्तु होती है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से अब है सहजीवी। सहजीवी किसे कहते हैं, कुछ जीव एक दूसरे के
के साथ रहते हैं तथा अपना वृक्ष की जड़ों में दिख रहा है ना, एक बार नोट करा देती हूँ और साथ के साथ नोट करते चलना, उसके बाद समझाती हूँ। बदले में उन्हें जल एवं पुष्पों का अवशोषण मतलब क्या होता है? अवशोषण का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना। अवशोषण का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ग्रहण करना। अब मैं बताती हूँ, ठीक है। सहजीवी क्या होता है? सहजीवी नाम से पता चल रहा है, साथ साथ रहना। सहजीवी का मतलब क्या होता है? साथ साथ रहना। सहजीवी किसे कहते हैं? पहले अपन ने पढ़ा था कीट पक्षी, फिर उसके बाद मृत जीवी किसे कहते हैं? जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों को पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं या पोषक पदार्थों को प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी। उसी प्रकार से सहजीवी का मतलब नाम से पता चल रहा है कि साथ साथ रहना, अपने भोजन के लिए, जल के लिए, आवास के लिए एक दूसरे के साथ साथ रहना। कुछ सहजीवी किसे कहते हैं? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ जीव जो होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं? साथ साथ रहते हैं। तथा अपना आवास, आवास का मतलब क्या होता है? रहने की जगह। तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व, पोषक का मतलब क्या होता है? भोजन, ठीक है। पोषक तत्व, जब तक हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं जाएंगे तब तक हमारे शरीर का वृद्धि और विकास नहीं होगी। और भोजन करने से हमारे शरीर में क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा प्राप्त करने से हमारे को क्या करती है? प्रतिदिन जो भी कार्य होते हैं उनको कर सकते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे के साथ साथ बांटते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। जो एक दूसरे के साथ साथ रहकर क्या करते हैं? वो देखो आवास का भी निर्माण करता है, जल भी एक दूसरे को बांटता है। जैसे मान लो, और इसका जो उदाहरण है वो क्या होता है? लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन। इसके बाद समझाते हैं, पहले ये सहजीवी पढ़ लो उसके बाद बताती हूँ लाइकेन किसे कहते हैं। लाइकेन में क्या होता है? दो जीव जंतु या दो पादप एक साथ रहते हैं। लाइकेन में क्या होता है? दो जीव जंतु या
अपने घर में भी तो क्या करते हैं अपन, सहजीवी रहते हैं। जैसे अपने घर में कौन कौन होता है, मम्मी पापा बच्चे दादा दादी, तो अपन क्या करते हैं सब साथ साथ रहते हैं। उसी प्रकार से सहजीवी का मतलब भी क्या होता है, साथ साथ रहना। और साथ साथ रहने का मतलब है आवास पोषक तत्वों के लिए एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे सहजीवी पादप कहते हैं। अब देखो कुछ वृक्ष होते हैं उनकी जड़ों में भी होते हैं, कुछ वृक्ष होते हैं उनकी जड़ों में भी बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे पादप होते हैं जो पोषक प्रदान करते हैं, जो क्या करते हैं अपने को पोषण प्रदान करते हैं। पोषण वृक्ष की जड़ों में रहते हैं, कुछ कवक जो होते हैं वो पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल और, देखो अगर मान लो कवक जो होते हैं वो तो क्या करते हैं पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं, कवक जो होते हैं वो तो क्या करते हैं, कवक जो होते हैं वो तो क्या करते हैं पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, और बदले में जल और पोषक पोषक पदार्थों का क्या करते हैं अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं। ये वृक्षों की जड़ों में कौन रहते हैं, कवक रहते हैं। वृक्षों की जड़ों में कौन रहता है, कवक रहता है। कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अभी इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें यही तो बताया था कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन प्राप्त नहीं करते नहीं कर सकते, और अपने भोजन के लिए क्या होता है किसी अन्य जीव जंतु या पादप पर निर्भर रहते हैं। कुछ वृक्ष की जड़ों में रहते हैं, कवक जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वृक्ष की जड़ों में। ये कवक जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वृक्ष की जड़ों में पाए जाते हैं, और उसमें उसको क्या करते हैं पोषक प्रदान प्राप्त करवाते हैं, जल प्राप्त करवाते हैं, और आवास आवास भी प्राप्त करवाते हैं। जैसे पेड़ है तो पेड़ के लिए तो जगह है, लेकिन उसके लिए खाद्य प्रदान नहीं है, खाने की चीजें नहीं है, तो उसको कौन प्राप्त करवाता है, कवक प्राप्त करवाता है। समझ में आ रही है मेरी बात, फिर से सुनो, सहजीव का मतलब होता है एक दूसरे के साथ साथ रह के पोषक पदार्थ जल आवास आदि की क्या करते हैं सहायता करते थे, और सहायता करने के साथ एक दूसरे के साथ सहसंबंध बनाए रखते हैं। वृक्ष की जड़ों में कौन कौन उपस्थित होता है, कवक उपस्थित होता है, और कवक जो होते हैं वो क्या प्राप्त करवाते हैं पेड़ पौधों को, पोषक पदार्थ प्राप्त। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, तो वो उनको पोषक पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कवक जो होते हैं उनको पोषक पदार्थ प्राप्त करवाएंगे, और कवक भी जो होते हैं उनको क्या करते हैं जल भी प्राप्त। अभी मैंने पहले बताया था कि ये जो कवक होते हैं अगर किसी भी जीव जंतु के अगर ब्रेड के ऊपर या किसी भी अन्य पदार्थ के ऊपर लग जाते हैं तो धीरे धीरे उनको क्या करते हैं विघटित कर देते हैं, विघटित करने के बाद उसको किसमें विलय कर देते हैं, विलय का मतलब होता है जल में जल के समान द्रव पदार्थ बना देते हैं। जड़े जब पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं तो जल के माध्यम से पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। अब इसका सहजीवी का उदाहरण बताती हूँ, लाइकेन। लाइकेन के बारे में अब मैं कल बताती हूँ, मेरी अगली क्लास है वापस, ठीक है, इसको जितना पढ़ाया उसको पढ़ना।